हेलो फ्रेंड्स, आज एनरिचमेंट का क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये अल्फाबेट के लेटर्स हैं ई और एक्स। वी फाइंड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इन लेटर ई एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन लेटर एक्स। तो ई में देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर ये रे है, और ये एंगल और ये एंगल मिलके एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म करते हैं। और लेटर एक्स में दो इंटरसेक्टिंग लाइंस लेटर एक्स फॉर्म करते हैं, और ये दो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म करते हैं। नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जितने भी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैं उसमें से फाइंड आउट कीजिए। यह हमें फाइंड आउट करना है कि किस लेटर में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, किस लेटर में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। पेयर मतलब टू, हमेशा सोचिए, तो दो एंगल्स होने से वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, जिसमें लीनियर पेयर के कुछ रूल्स हैं, जैसे कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है, और नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, और दोनों एंगल का टोटल मेजरमेंट मिला के 180 डिग्री होता है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किस में है वो भी फाइंड आउट करना है। कलर लीनियर पेयर विथ ग्रीन एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स विथ ऑरेंज। तो लीनियर पेयर को हमें ग्रीन से कलर करना है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को हमें ऑरेंज से कलर करना है। तो मैं यहाँ जितने भी लेटर्स हैं ए टू जेड लिख दी हूँ। तो लीनियर पेयर में जैसे हम लोग अभी तक स्टडी करते आए हैं, ये देखिए लीनियर पेयर, तो ये हमेशा ऐसे जो स्ट्रेट लाइन और एक रे से फॉर्म होता है। तो हम लोग ऐसे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ए टू जेड के बीच जो लेटर्स हैं तो उनमें से जहाँ पर स्ट्रेट लाइन होंगे तो वहाँ हमारा लीनियर पेयर फॉर्म हो सकता है। जहाँ पर ऐसे कर्व्स या सर्कल या ऐसे कुछ होंगे, जैसे दो कर्व्स, तो वहाँ हमारा लीनियर पेयर या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म नहीं हो सकते। तो बोथ लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स स्ट्रेट लाइंस और स्ट्रेट रेज से ही फॉर्म होते हैं। तो इसको हम लोग पहले एनालाइज करते हैं। तो ए में देखिए, ये सारे स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ए को हम लोग लेते हैं। तो ए में देखिए, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये रे है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे, ये लीनियर पेयर है। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये रे है, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होंगे, तो ए में हमारा लीनियर पेयर होगा। देन बी में देखिए कर्व है, तो जैसे मैं बताई पहले, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे या लीनियर पेयर के एंगल्स होंगे वहाँ हमेशा स्ट्रेट लाइन्स या स्ट्रेट रेज ही होने चाहिए। तो बी में देखिए कर्व्स है, तो बी को हम लोग स्ट्राइक आउट करेंगे। सी में भी कर्व्स हैं, डी में भी एक ही स्ट्रेट लाइन है लेकिन बाकी कर्व है, इसको भी स्ट्राइक आउट करेंगे। ई तो ऑलरेडी दे दिया गया है कि ये लीनियर पेयर है। एफ में अभी देखेंगे, तो एफ में देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये रे है, और ये तो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो एफ भी हमारा होगा लीनियर पेयर। जी में देखिए कर्व है, और ये दो ऐसे स्ट्रेट लाइन्स है लेकिन कर्व होने की वजह से इसको स्ट्राइक आउट करेंगे। एच को अभी देखेंगे, एच में ओनली स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो एच में देखिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये रे है, और ये दो एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये रे है, और ये दो एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, तो H में भी हमारा लीनियर पेयर फॉर्म होगा। अभी I देखेंगे, तो I में भी देखिए इसको स्ट्रेट लाइन हम लोग लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है और ये रे है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो ये दो एंगल्स 180 डिग्रीज हैं या लीनियर पेयर के एंगल्स हैं। सिमिलरली ये दो एंगल्स 180 डिग्रीज या लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, तो H और I हमारे हैं। J में भी देखिए कर्व है, तो इसको स्ट्राइक आउट करेंगे। के में भी हमारे स्ट्रेट लाइन्स हैं लेकिन ये देखिए के में ऐसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर थ्री एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो थ्री एंगल से तो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होगा। लीनियर पेयर के लिए टू एंगल्स चाहिए हमें, तो के भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एल में देखिए,
एल में एक ही एंगल फॉर्म हो सकता है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। जो एम है ये देखिए, एम में ऐसे एक एंगल फॉर्म होता है और ऐसे एक एंगल फॉर्म होता है। तो एक एंगल से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें दो एंगल्स होने से लीनियर पेयर हमारा फॉर्म होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली एन में ये एंगल फॉर्म होगा और ये एंगल फॉर्म होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक एक एंगल फॉर्म होने से हमारा लीनियर पेयर नहीं होगा, हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक आर्म चाहिए जहाँ पर दो एंगल्स फॉर्म होने से हमें लीनियर पेयर मिलेगा। ओ पूरा कर्व है, कैंसिल आउट करेंगे। पी में भी ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी कैंसिल आउट। क्यू में भी ओ है, मतलब सर्कल टाइप का है, तो ये भी कैंसिल आउट। आर में भी देखिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है लेकिन एक कर्व है, तो जहाँ पर कर्व है आपको वहाँ पे कैंसिल आउट करना है। एस में भी देखिए कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन। अभी टी को देखेंगे, तो ये देखिए टी में ये स्ट्रेट लाइन है और ये आर में, तो ये दो एंगल्स मिलके एक लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, तो टी हमारा है लीनियर पेयर। यू में कर्व है, ये स्ट्राइक आउट कर देंगे। वी में एक ही एंगल फॉर्म होगा, ये भी स्ट्राइक आउट करेंगे। सिमिलरली डब्ल्यू में यहाँ एक एंगल, यहाँ एक एंगल फॉर्म होगा, ये सारे स्ट्रेट लाइन्स हैं, लेकिन ऐसे दो एंगल्स फॉर्म होते हैं जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते, इसलिए इसको भी हम लोग स्ट्राइक आउट करेंगे। अभी एक्स है, तो ऐसे दो लाइंस क्रॉस होने से ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म करते हैं, तो एक्स में हमारा ओनली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही फॉर्म होता है। वाई में देखिए, ऐसे वाई में देखिए इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये रे है और ये एंगल मिला के 180 डिग्रीज है या लीनियर पेयर है, तो वाई में भी लीनियर पेयर फॉर्म होता है। और जेड में भी देखिए ऐसे दो सेपरेट एंगल्स हैं जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते, भले ही ये सारे स्ट्रेट लाइन्स हैं लेकिन लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होता, तो जेड को भी हम लोग स्ट्राइक आउट करेंगे। तो जितने भी लेटर्स से हमारे कुछ लीनियर पेयर या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म नहीं हुए उसको हम लोग स्ट्राइक आउट कर दिए, तो लीनियर पेयर हमारे लेटर ए, ई, एफ, देन एच आई, देन टी और एक वाई है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने लेटर्स से हमारे लीनियर पेयर फॉर्म है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ओनली एक्स से ही फॉर्म होता है, दूसरे किसी लेटर से फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये इसका सल्यूशन है एनरिचमेंट क्वेश्चन का। तो जितने भी लीनियर पेयर हैं आप उसको ग्रीन में कलर कर दीजिए कॉपी में, और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्स का है उसको आप लोग ऑरेंज से कॉपी में कलर कर दीजिए। तो ये हमारा इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ओवर होते हैं।